आज सुबह सुबह मुझे एक मेरा दोस्त मिल गया जिसको करना है एक पीसी बिल्ड, ठीक है। वो गेमिंग ऑब्वियसली है, वो गेम के लिए करना चाहता है, लेकिन उसका कहना है कि बस अमेज़ॉन पे जा रहा हूँ या फिर फ्लिपकार्ट पे जा रहा हूँ, तो वहाँ पे हर पीसी के पास हर सीपीयू के साथ एक कैश मेमोरी लिखा हुआ है, CACHE। ये मेमोरी क्या होता है, कहीं पे 35 MB है, कहीं पे 19 MB है, कहीं पे 20 MB है, ये है क्या? तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो ही बना दूँ, ताकि आप लोगों को भी एक ग्लिम्स आ जाए कि ये होता क्या कैश मेमोरी का और इसका ज़रूरत क्यों है। तो हे गाइस, माय नेम इज सुशांत और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान सागर। आइए ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि ये कैश मेमोरी होता क्या है। कैश मेमोरी बेसिकली सीपीयू मेमोरी है, यानी सीपीयू के पास एक मेमोरी है जो सीपीयू के स्पीड से काम करती है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, आपके पास पहले से दो मेमोरी थी, एक रैम थी और एक हार्ड डिस्क थी। हार्ड डिस्क का स्पीड कम होता है, रैम का स्पीड उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा महंगा भी होता है। अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, रैम का स्पीड कितना भी ज़्यादा हो, प्रोसेसर के स्पीड को वो मैच नहीं कर सकता। यानी जिस स्पीड से प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहा है, उस स्पीड से रैम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है, यानी सीपीयू से जो है उसको हम लोग बॉटल नेक चोक बोलते हैं। यानी सीपीयू से इंस्ट्रक्शन आ रहा है ज़्यादा, रैम उसको ऑब्जर्व कर रहा है कम, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं फंस जाते हैं, ठीक है। अब सीपीयू कितना भी आप फास्ट ले लो, अगर रैम आपका सही नहीं है या कितना भी सही ले लो, लेकिन वो उस स्पीड को मैच तो नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे बीच में एक मेमोरी और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी। यानी ये एक बहुत छोटा मिनिमम मेमोरी होता है, या 35 MB का, 40 MB का, 50 MB का, जितना आप अपग्रेडेड वर्जन में जाओगे उतना ज़्यादा आपको कैश मेमोरी मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या करती है, ये जो कैश मेमोरी है, यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है प्रोसेसर से, ठीक है, प्रोसेसर से जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है वो कैश मेमोरी अपने पास होल्ड रख रही है कुछ सेकंड, कुछ मिली सेकंड्स के लिए, और उतने ही देर में वो डेटा को आगे ट्रांसफर करती है रैम पर, और रैम में जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ होता है वो उस इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि सीपीयू का जो कैश मेमोरी है वो ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है भाई, और जितना ज़्यादा कैश मेमोरी होगा आपका प्रोसेसर का स्पीड, पूरा पीसी का स्पीड उतना ही अच्छा होगा। ये बहुत कम मिलता है, 35 MB, 40 MB, 45 MB, 45 या 64 MB का भी मिल जाता है अगर आप हाई एंड कॉन्फ़िगरेशंस में जाओगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने की ज़रूरत है। आप अगर हाई एंड क्रिएटर हो, वीडियो एडिटर हो, या बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आप काम कर रहे हो, बहुत स्पीड वाले गिग्स चाहिए आपको, रिग्स चाहिए आपको, तो आप हाई एंड में जा सकते हो, तो आप ज़्यादा में जा सकते हो। वैसे राइजन 5 का जो 35 MB का प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा है, जिसमें 35 MB का कैश मेमोरी है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस है ये बहुत स्पीड में काम करती है, ये प्रोसेसर से इंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी लेकर के जाती है रैम तक, और उसी हिसाब से आपका पूरा सिस्टम जो है वो फास्ट काम करता है। डिसएडवांटेजेस, ये बहुत महंगी आती है, यानी आप कोई 19 MB का लोगे जिसमें 19 MB का कैश मेमोरी है, ऐसा प्रोसेसर लोगे तो वो आपको अराउंड, अब देख लेना, वो बहुत अंतर आता है 19 MB का, 35 MB का, या फिर उससे अगर अधिक मिल रहा है तो उस MB का। मैं होगा तो स्क्रीनशॉट इधर उधर चाहे कहीं पर भी लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मोबाइल में भी ऐसा ही है, मोबाइल का जो प्रोसेसर होता है उसका भी कैश मेमोरी होता है, उसका भी रैम होता है, तो कैश मेमोरी का यही काम है कि डेटा इससे लेना है और इसको देना है। तो अब तक के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आ रही है कमेंट करके बताइए, लाइक का बटन दबाइए, और अगर नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक का भी बटन दबा सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि क्यों डिसलाइक आप कर रहे हो, उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।